Hello and welcome to Sivoy's Creative World YouTube class. I welcome you again in my YouTube class. चलिए किसकी बात हो रही है मेरे YouTube क्लास में आज आज हम फिर से पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करेंगे, राजनीति विज्ञान के बारे में बात करेंगे। राजनीति विज्ञान में हम क्या पढ़ रहे थे, राजनीति विज्ञान की अवधारणाएं पढ़ रहे थे, कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे। तो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट था स्वतंत्रता, उसकी बात हो रही थी। तो उसका जो पहला वीडियो है उसका आधा भाग मैं क्या कर चुका हूँ, पहले अपलोड कर चुका हूँ। तो आप एक बार मेरे YouTube चैनल पे जाइए, उसे देखिए और एक बार आप क्या कर दीजिए वहां विजिट कीजिए, ताकि ये दूसरा जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आप तक क्या कर सके, आसानी से पहुंच सके। चलिए अब बात करते हैं स्वतंत्रता के दूसरे आयाम के बारे में, यानी पढ़ क्या रहे थे अपन। तो अगर टॉपिक की बात करें दोबारा लिख देते हैं, राजनीतिक विज्ञान की अवधारणाएं। और इन अवधारणाओं में आपकी कौन कौन सी अवधारणाएं आती है, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय, लोकतंत्र, नागरिकता, शक्ति, ये सारी की सारी क्या आती है, इसके अंतर्गत शामिल होती है अवधारणाओं में। और अपन पहले जो वीडियो डिस्कस किया था उसमें किसके बारे में बात कर चुका था मैं, स्वतंत्रता के बारे में। और स्वतंत्रता में मैंने उसको आपको डेफिनेशन बता दिया था और बहुत सारी चीजें क्या कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसी स्वतंत्रता में अपन ने बात कर रहे थे नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में अपनी बात चल रही थी। तो आज हम यहीं से टॉपिक की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं फिर से नकारात्मक स्वतंत्रता, नेगेटिव लिबर्टी के बारे में बात करते हैं। कुछ विचार विचारकों के विचार हमने ले लिए थे, जैसे बेंथम के विचार हम ले चुके थे, इसके अलावा मैकियावेली के भी क्या कर चुके थे, हम नेगेटिव मोरेंथाउ के बारे में पढ़ चुके थे। आज हमारे जो व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति जिनके विचार हम यहाँ पे लेने वाले हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता पर अपने विचार दिए, उनका नाम है J.S. Mill। तो किसके विचारों की बात होगी आज यहाँ पर, J.H. Mill के बारे में बात करें। ये भी एक नकारात्मक स्वतंत्रता को समर्थन देने वाले क्या थे, विद्वान थे। चलिए उनके बारे में क्या कर लेना शुरू करते हैं, अपन यहाँ पर बात करना शुरू करते हैं। बात किसकी हो रही है, J.S. Mill। J.S. Mill यहाँ पे स्वतंत्रता के बारे में क्या बताते हैं, वो चीज अपन यहाँ पे स्वतंत्रता के दो आयाम बताते हैं। J.S. Mill के अनुसार स्वतंत्रता के कितने आयाम है, स्वतंत्रता के दो आयाम, ये दो आयाम किसने बताए, J.S. Mill। पहला आयाम क्या है, उन्होंने कहा स्वपरक क्रियाएं, यानी ऐसी क्रियाएं जो मनुष्य द्वारा क्या की जाती है, स्वतः की जाती है, स्वपरक क्रियाएं। और दूसरा इन्होंने स्वतंत्रता का आयाम बताया है, वो है परक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं, परक क्रियाएं। ये दो आयाम बताए हैं किसने, J.S. Mill ने, किसके बारे में, स्वतंत्रता के बारे में। ये J.S. Mill के विचार के दो इनके आयाम है, स्वपरक क्रियाएं और परक क्रियाएं। अब इसमें और J.S. Mill क्या कहते हैं स्वतंत्रता के बारे में, J.S. Mill के अनुसार रचनात्मकता के लिए, यानी जीवन में नवीन चीजों की खोज, व्यक्तित्व तो विकास और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी के लिए, रचनात्मकता के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का होना अति आवश्यक है। ये किसका, ये किसने कहा है, J.S. Mill। J.S. Mill कहते हैं अगर आप क्या चाहते हो, कोई भी व्यक्ति है उसकी रचनात्मकता का विकास हो, यानी वो क्रिएटिव बने, समाज को ज्यादा क्रिएटिविटी प्रदान करे, उत्पाद नई चीजों का उत्पादन करे, इसके लिए क्या होना जरूरी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का होना जरूरी है। यानी जब तक व्यक्ति खुद स्वतंत्र नहीं है, लिबरल नहीं है, तब तक रचनात्मकता नहीं आ सकती देश में, समाज में। इसके लिए ये किस, भाषण, अभिव्यक्ति व अभिव्यंजन की स्वतंत्रता किसी भी परिस्थिति में कम ना की जाए। यानी राज्य क्या नहीं कर सकता है, कौन सी स्वतंत्रता को कम नहीं कर सकता है, भाषण की स्वतंत्रता, स्पीच,
एक्सप्रेशन, यानी कोई भी व्यक्ति है समाज में या देश में क्या करना चाहता है, खुद को अभिव्यक्त करना चाहता है, खुद को एक्सप्रेस करना चाहता है, उसकी जो स्वतंत्रता है वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति का मतलब आपातकाल में भी क्या नहीं होना चाहिए, उनकी स्वतंत्रता का आपका कमी नहीं होनी चाहिए, हनन नहीं होना चाहिए। बात किसकी हो रही, नकारात्मक स्वतंत्रता। आपको पता है नकारात्मक स्वतंत्रता वैसे भी राज्य के हस्तक्षेप की विरोधी है, तो इनके अनुसार भाषण, अभिव्यक्ति और अभिव्यंजन जो है, व्यक्ति खुद को दूसरे के सामने पेश करता है, उसमें किसी भी परिस्थिति में क्या नहीं होनी चाहिए, वो स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए। ये बात कौन कहते हैं, जेएस मिल कहते हैं। यहाँ पर जेएस मिल एक बहुत ही सुंदर अपना वक्तव्य रखते हैं और वो ये वक्तव्य काफी प्रसिद्ध है। वो आपको कहते हैं, किसी भी वस्तु के अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं, किसी भी वस्तु के अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं, यानी कोई विचार है या कोई वस्तु है उसके क्या हो सकते हैं, अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं, यानी अलग अलग व्यक्ति का किसी एक मुद्दे पर या किसी विचार पर अलग अलग क्या हो सकता है, दृष्टिकोण हो सकता है, सोच हो सकती है। तो किसी भी वस्तु के क्या हो सकते हैं, अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं, और इसके अलावा इन्होंने कही भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से सत्य का अन्वेषण संभव है, सत्य का अन्वेषण संभव है। ये बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पे जेएस मिल ने। जेएस मिल क्या कहते हैं कि कोई भी बात है, कोई भी विचार है, उसके क्या हो सकते हैं, अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं। कोई भी चीज आप एक दृष्टिकोण से नहीं सोच सकते, उसके सोचने के क्या होते हैं, अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं, और भिन्न भिन्न दृष्टिकोण होगा तो उससे क्या होगा, सत्य का अन्वेषण होगा। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग किसी एक विचार को क्या कर लेते हैं, एक वस्तु को या एक विचार को सत्य मान लेते हैं, और दूसरी वस्तु को हम क्या कर देते हैं, विचार को क्या कर देते हैं, उसके दूसरे ही पहलू को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जेएस मिल कहते हैं ये गलत है, क्योंकि हर चीज के अलग अलग क्या होते हैं, दृष्टिकोण होते हैं हर विचार के, लेकिन हर दृष्टिकोण में क्या छुपा होता है, सत्य छुपा होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, वहां पे उस सत्य का अन्वेषण कर सकते हैं। ये इन्होंने क्या कही है, बात कही है। ये जब इन्होंने विचार रखा तो इन्होंने क्या कहा कि कुछ विचार ऐसे होते हैं जो वर्तमान में सही नहीं लगते हमें, लेकिन उन्हें हम क्या कर देते हैं, दबा देते हैं, या फिर इतिहास में हम उसको ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। इस कारण ये जो वर्तमान में दबाए गए आपके क्या है, विचार है, हो सकता है भविष्य में सही हो जाए, तो फिर मानवता क्या करेगी, उस चीज पे पश्चाताप करेगी। इससे अच्छा है वर्तमान में जो विचार है उनको उतना ही महत्व दिया जाए जितना हम एक सही महत्व को देते हैं उतना ही। देखिए क्या कहते हैं उन्होंने, वर्तमान में दबाए गए विचार भविष्य में सही हो सकते हैं, भविष्य में सही हो सकते हैं। तत्पश्चात मानवता इतिहास पर पश्चाताप करती है। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है अतः प्रत्येक विचार को महत्व प्रदान किया जाए। ये फैक्ट जो है जेएस मिल ने अपने सामने लिखा है। क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा कि कोई विचार ऐसे होते हैं जो वर्तमान में दबा दिए जाते हैं। जैसे आपने बहुत सारे देशों में देखा होगा, जब कोई एक गवर्नमेंट आती है उसकी आइडियोलॉजी जो होती है, उस आइडियोलॉजी को क्या करते हैं, उसको तो प्रमोट करते हैं, बाकी जो आइडियोलॉजीज होती है, बाकी जो विचार होते हैं उन्हें दबा देते हैं। लेकिन जब भविष्य में वो सरकार क्या होती है, चली जाती है, या फिर उस विचारधारा में जब कमजोर हो जाती है, तब जब दूसरी विचारधारा आती है, उस वक्त दबाए गए आपके विचार भविष्य में क्या हो जाते हैं, सही साबित हो जाते हैं। तो उस विचारधारा में जो विचार दबाए गए थे वो अब सही है, तब मानवता क्या करती है, अपने इतिहास पर पश्चाताप करती है। वो सोचती है कि उस वक्त इन विचारों को क्या दे दिया होता, अगर सही स्थान दे दिया होता, सही मान लिया होता, तो आज मैं ये पश्चाताप नहीं करना पड़ता। इस बात को किसने कहा, जेएस मिल ने कहा। उन्होंने क्या कहा कि विचार हो सकता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो क्या लगे, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी लगे, यानी थोड़ा सा क्या लगे,
विपक्षी लगे, लेकिन उस विचार में भी कुछ अंश ऐसा होता है जो क्या होता है, सत्य होता है, और उस अंश का हमें अन्वेषण करना चाहिए ताकि आने वाले समय में जब मानव इतिहास देखे नई चीजें आ जाए, जब भविष्य में यही विचार जब सही हो जाए, तब हमें वापस पीछे अपने इतिहास पर, अपने भूत पर क्या नहीं करना पड़े, पश्चाताप नहीं करना पड़े। इसलिए प्रत्येक विचार के, प्रत्येक वस्तु के जो दृष्टिकोण है, हर दृष्टिकोण को क्या देना चाहिए, महत्व देना चाहिए, ताकि सत्य का अन्वेषण हो सके, सत्य का पता लगाया जा सके। ये बात किसने कही है, जीएस मिल ने कही है। आई थिंक ये कोटेशन बहुत अच्छा है और आज के टाइम में ये क्या करता है, अप्लाई भी होता है कि कई ऐसे विचार हैं जिनको दबाया गया था और वर्तमान में वो विचार क्या माने जा रहे हैं, सही माने जा रहे हैं। इस चीज को आपको यहाँ पे जीएस मिल के नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारों से हमें शिक्षा आधारित चयन शक्ति स्वतंत्रता का आधार है। मिल ये यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, आधार है, ये कह रहे हैं कि अगर आप जो स्वतंत्रता है वो शिक्षित लोगों को क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। अपंग बच्चों ऐसे लोगों की शिक्षा का ये क्या करते हैं, स्वतंत्रता का विरोध करते हैं। कौन? आपके जीएस मिल ने क्या कहा कि अगर मताधिकार देना है आपको, किसी को मताधिकार की स्वतंत्रता देनी है, मत देने की स्वतंत्रता प्रदान करनी है, तो इन्होंने कहा शिक्षा, एक तो क्या शिक्षा यानी शिक्षित व्यक्ति को भी मत देने का अधिकार होना चाहिए, दूसरा व संपत्ति प्राप्त व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त हो। ये मिल की क्या है यहाँ पे बात है, मिल क्या कहते हैं कि किस आधार पे, शिक्षा के आधार पर और संपत्ति के आधार पर क्या मिलना चाहिए आपको, मताधिकार मिलना चाहिए। ये थोड़ी सी बात कॉन्ट्राडिक्टरी है, इस वजह से क्या होता है यहाँ पे इनका थोड़ा सा क्या हो जाता है, विरोध हो जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है शिक्षा और संपत्ति आधार, इसका मतलब क्या हुआ, अशिक्षित व्यक्ति को मताधिकार नहीं मिलना चाहिए, कम स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जेएस में ये ऐसा कहते हैं। इसके अलावा अपंग लोग हैं यानी जो चल नहीं पाते वो लोग, इसके अलावा जो गरीब लोग हैं उन्हें क्या नहीं मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। ये किसके विचार है, जीएस मिल के विचार है। जब इन्होंने ऐसा कहा कि शिक्षा के आधार पर, संपत्ति के आधार पर अधिकार मिलने चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इसका थोड़ा सा क्या होता है, विरोध होता है। यहाँ पर दो लोग हैं जो इनकी क्या करते हैं, बारकर नाम के जो विद्वान है वो इस वजह से, कौन सी वजह से, इन्होंने कहा कि शिक्षा अपंग लोगों को या फिर अशिक्षित लोगों को अधिकार नहीं मिलने चाहिए, स्वतंत्रता, इसका बारकर इसका क्या करते हैं, इनकी जीएस मिल खोखली स्वतंत्रता का समर्थक है, खोखली स्वतंत्रता का समर्थक। ये बात किसने कह दी, बारकर ने, किसके बारे में, जीएस मिल के बारे में, क्योंकि मिल ने क्या कहा अशिक्षित लोगों को यानी सिर्फ उन्हीं को अधिकार मिले जिनके पास शिक्षा और संपत्ति है, इसका बारकर कहते हैं आप क्या हो, खोखली स्वतंत्रता के समर्थक हो, स्वतंत्रता तो सभी को मिलनी चाहिए लेकिन आप कह रहे हो सिर्फ शिक्षित और संपत्ति वाले लोगों को मिलनी चाहिए, इसका मतलब आप खोखली स्वतंत्रता के क्या हो, समर्थक। एक व्यक्ति और यहाँ पे वेपर क्या कहते हैं, वेपर कहते हैं अनिच्छुक लोकतंत्रवादी। इन्होंने कहा कि जो आपके ये जेएस मिल है, लोकतंत्र तो चाहते हैं लेकिन कैसे, अनिच्छा से, इनकी कोई खास पूरी इच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो गरीब लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, अपंग हैं, उनके बारे में तो अधिकार नहीं देना चाहते, ये चाहते हैं सिर्फ शिक्षित लोगों को और संपत्ति के प्राप्त, क्योंकि जेएस मिल के अनुसार सिर्फ शिक्षित लोग और संपत्ति प्राप्त लोग ही क्या कर सकते हैं, आपके स्वतंत्रता का सही मतलब समझ सकते हैं, बाकी वाले लोग नहीं समझ सकते, इसका विरोध होता है और इसका बारकर कहते हैं ये खोखली स्वतंत्रता का समर्थक है। ये सवाल आपको पूछा जा सकता है कि किसके अनुसार जेएस मिल खोखली स्वतंत्रता के समर्थक है, बारकर के अनुसार। अनिच्छुकवादी लोकतंत्रवादी किसने कहा है, ये अनिच्छुक लोकतंत्रवादी इनको कहा है आपके वेपर ने, ये बात आपके जेएस मिल की। तो आई होप आपको जेएस मिल से रिलेटेड उनके स्वतंत्रता के क्या विचार थे वो समझ में आ गए होंगे। चलिए अपने अगले जो विचारक हैं उनका नाम है बर्ले। जेएस मिल के बाद जो हमारे अगले विचारक हैं इनका नाम बर्लिन है, और बर्लिन क्या कहते हैं ये जान लेते हैं। चलिए, बर्लिन ने एक किताब लिखी और उनकी बुक का नाम आपको याद रखना, उस बुक में उन्होंने अपने विचार रखे और उन्होंने स्वतंत्रता के प्रकार बताए। बर्लिन की किताब का नाम है टू कॉन्सेप्ट्स ऑन लिबर्टी। स्वतंत्रता पर दो अवधारणा, हिंदी अनुवाद आपको नहीं करना है बिकॉज अंग्रेजी ही सबसे जरूरी, क्योंकि बुक का नाम इंग्लिश में टू कॉन्सेप्ट्स ऑन लिबर्टी। किसकी किताब है, बर्लिन,
ये वो राजधानी नहीं है, ये विद्वान का नाम है, ठीक है। तो बर्लिन ने टू कॉन्सेप्ट्स ऑन लिबर्टी किताब लिखी, और बर्लिन यहाँ पे क्या कहते हैं जनता है, इन्होंने बर्लिन में इन्होंने नकारात्मक व सकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर बताया, नकारात्मक व सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या किया, अंतर स्पष्ट किया। ये बर्लिन का योगदान है, इसके अंतर्गत उन्होंने क्या कहा। स्वतंत्रता के बारे में बर्लिन कहते हैं जब क्या हो, हस्तक्षेप का अभाव हो, तो उसे तो ये कहते हैं क्या, उसे कहते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। और जब ये कहते हैं सकारात्मक का मतलब हुआ व्यक्ति जब क्या हो, स्वायत्त हो, यानी कोई भी कार्य करने में क्या हो, स्वायत्त हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, सकारात्मक स्वतंत्रता। ये किसके विचार है, आपके बर्लिन। हस्तक्षेप का अभाव का मतलब क्या हुआ कि राज्य का बिल्कुल भी क्या नहीं होना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसका इसको कहते हैं व्यक्तिगत। ये सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या, व्यक्ति जब स्वायत्त हो, यानी राज्य का क्या हो सकता है, उनके ऊपर क्या हो सकता है, बंदिशें हो सकती है, लेकिन स्वायत्तता हो उसके पास, इसको उन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में लिखा है। इसके दक्षता व सक्षमता का अभाव स्वतंत्रता का अभाव, ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की है, दक्षता और क्षमता का अभाव स्वतंत्रता का अभाव नहीं है। इसका मतलब समझते हैं, देखिए कोई भी व्यक्ति है अगर वो सक्षम नहीं है, यानी कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं है, उसमें कोई भी कार्य करने की दक्षता नहीं है, और वो इस सक्षमता और दक्षता का क्या देकर के हवाला देकर के ये कहे कि उसे स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई, ये इन्होंने कहा गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। आप स्वतंत्र हैं, अगर आप दक्ष नहीं है, स्वतंत्रता होते हुए भी आप कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आप दक्ष नहीं है, सक्षम नहीं है, और आप कहते हैं कि हमें स्वतंत्रता नहीं मिली, ये फैक्ट नहीं हो सकता। जैसे इन्होंने कहा कि कोई मनुष्य है और वो अगर गरुड़ की तरह नहीं उड़ पाता है, बाज की तरह नहीं उड़ पाता है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसे स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये उसकी क्षमता और दक्षता से क्या है, बाहर की बात है। इस कारण इन्होंने कहा कि क्षमता और दक्षता का अभाव स्वतंत्रता का अभाव कतई नहीं है। ये किसके विचार है, बर्लिन के। क्या है विचार है, कौन है, हायेक के विचार है। कौन है, हायेक, एक और विद्वान है हायेक के विचार। हायेक यहां पे हायेक के बारे में जान लेते हैं, हायेक के स्वतंत्रता व समानता क्या है, आपकी स्वतंत्रता व समानता समानार्थी है। इसके नाम जान लेते हैं, हायेक की किताबों के नाम जानते हैं, तो ये किताबें देख लीजिए, अ रोड टू सफरडम, ये इनकी क्या थी, किताब थी। इसके अलावा इनकी एक और किताब थी लॉ लिबर्टी एंड लेजिस्लेशन, ये भी इनका एक किताब थी, लिबर्टी कंस्ट्रक्शन टू लिबर्टी। तो ये कुछ है कि बुक्स हैं, आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। इसमें उन्होंने क्या अपने रखे हैं, विचार रखे हैं, किसने, हायेक ने। इसके अलावा हायेक क्या कहते हैं, हायेक कहते हैं स्वतंत्रता जो है, यानी स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता समाज का, स्वतंत्रता समाज का सर्वोत्तम मूल्य है, यानी कोई भी समाज है उसका सर्वोत्तम मूल्य क्या है, तो हायेक के अनुसार स्वतंत्रता ही किसी भी समाज का सर्वोत्तम मूल्य है। ये बात हायेक ने, कल्याणकारी राज्य में, कैसे राज्य में, कल्याणकारी, क्योंकि वर्तमान में ज्यादातर जो राज्य है लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य, यानी जो जनता की भलाई के लिए कार्य करते हैं, सरकार का कार्य क्या हो गया, जन कल्याण है ना, वैसे तो कल्याणकारी कार्य राज्य में उत्तरदायित्व की कमी की वजह से स्वतंत्रता का लोप होता है। किसका लोप होता है, स्वतंत्रता का लोप हो जाता है। ये विचार किसके, हायेक के। हायेक क्या कहते हैं, ये बात
इन्होंने रखी है, इन्होंने ये बात रखी है कि राज्य कैसा, लोक कल्याणकारी राज्य, यानी जो ऐसा राज्य जो जनता की भलाई के लिए कार्य करता है। अब जो जनता की भलाई के लिए कार्य करेगा तो वो जनता को क्या प्रदान करेगा, स्वतंत्रता है। लेकिन स्वतंत्रता का लोभ इसलिए वहां पे हो जाता है क्योंकि वहां पे उत्तरदायित्व की कमी है, यानी लोग क्या लेना पसंद नहीं करते हैं, लोग वहां पर उत्तरदायित्व लेना पसंद नहीं करते, उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरे पर क्या कर देता है, उड़ेल देता है। इस वजह से उत्तरदायित्व की कमी की वजह से स्वतंत्रता का लोप हो जाता है। कैसे राज्य में जन कल्याणकारी है कि अहस्तक्षेपवादी, क्या कहते हैं, है कहते हैं अहस्तक्षेप, अहस्तक्षेपवादी मुक्त बाजार व्यवस्था, मुक्त बाजार व्यवस्था स्वतंत्रता की पूर्व शर्त है, कि पूर्व शर्त है, ये बात आपको ध्यान है के विचार है। उस वक्त का जो है के जो विचार आते हैं, उस वक्त में क्या था, आपके जो पूंजीवाद था वो अपने चरम पर था, इस वजह से इन्होंने क्या कहा कि अहस्तक्षेपवादी मुक्त बाजार, यानी बाजार पे राज्य के किसी का भी कुछ नियंत्रण नहीं होना चाहिए, यही क्या है, पूर्व शर्त है, किसकी, आपके स्वतंत्रता की पूर्व शर्त की श्रेणी में रखें। तो हमने किसके विचार पढ़े यहाँ पर, एक तो बर्लिन के विचार पढ़े, किताब का नाम है देखा टू कॉन्सेप्ट्स ऑन लिबर्टी, और इसके अलावा किसके विचार पढ़े, है के विचार। बर्लिन क्या कहते हैं, दक्षता और सक्षमता का अभाव है अगर, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्वतंत्रता का अभाव है, इसको हम दक्षता और सक्षमता का अभाव ही मानेंगे। इन्होंने किताब लिखी अ रॉड टू सफरडम, लॉ ऑफ लिबर्टी एंड द लेजिस्लेशन, और कंस्ट्रक्शन टू लिबर्टी, ये इनकी तीन बुक्स हैं, आपको याद रखने, कई बार एग्जाम में क्या किया जाता है, नेट के एग्जाम में बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और स्वतंत्रता समाज का क्या है, सर्वोत्तम मूल्य है, ये हायर का क्या है, विचार। चलिए अब आगे हमारे यहाँ पर, तो अगले व्यक्ति जो हमारे राइटर है, जिनके विद्वान है, जिनके विचार हम लेने वाले हैं स्वतंत्रता के बारे में, नोजिक के विचार। अब ध्यान रखिए, जितने भी मैं विचार विद्वानों के विचार ले रहा हूँ, ये नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में विचार है। नोजिक यहाँ पे क्या कहते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन इन्होंने अराजकतावादी तर्कों के आधार पर किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और ये सवाल पूछा जाता है, निम्न में से किसने अराजकतावादी तर्कों के आधार पर नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया, दैट इज नोजिक। तो क्या होगा यहाँ पर, नकारात्मक स्वतंत्रता का, नकारात्मक स्वतंत्रता का अराजकतावादी, अराजकतावादी तर्कों के आधार पर समर्थन किया, तर्कों के आधार पर समर्थन किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पर समर्थन किया कि कौन से विद्वान हैं जो क्या करते हैं, अराजकतावादी तर्कों के आधार पर, अराजकतावादी तर्कों के आधार पर स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, वो नोजिक है। परंतु एक बात याद रखनी है, परंतु राज्य के आंशिक हस्तक्षेप का समर्थन किया है, एक बात ये भी ध्यान रखनी, आंशिक हस्तक्षेप के पक्षधर है ये। तो नोजिक क्या कहते हैं, राज्य का क्या हो सकता है, आंशिक क्या हो सकता है, हस्तक्षेप हो सकता है। बाकी इन्होंने जो डेफिनेशन दिए, बाकी चीजों को जो इन्होंने डिफाइन किया है, वो किस आधार पर किया, अराजकतावादी तर्कों के आधार पर इन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता प्राप्त। किताब लिखी, बुक का नाम आपको याद रखना है, बुक लिखी एनआरकी, किताब का नाम क्या है, किताब का नाम इनकी एनआरकी स्टेट एंड यूटोपिया, एंड यूरोपिया। बुक्स के नाम मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि कई बार बुक से रिलेटेड क्या पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है, सीधा आपको चार बुक्स के नाम देंगे, इधर चार राइटर्स के नाम देंगे, आपको क्या करना होता है, मैच करना होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, बुक का नाम क्या है, इनकी बुक का नाम है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, ये इनकी किताब का नाम था नोजिक की। उन्होंने क्या विचार रखे कि अराजकतावादी तर्कों के आधार पर इन्होंने समर्थन किया, और आंशिक हस्तक्षेप का इन्होंने क्या किया, पक्षधर। इन्होंने क्या किया, राज्य का कार्य, इन्होंने कहा राज्य का कार्य संपत्ति का संरक्षण करना है, संरक्षण करना है, ना कि वितरण, यानी ये जो राज्य द्वारा संपत्ति का जो वितरण किया जाता है इसके विरोधी थे, यानी राज्य की वितरणात्मक
शक्ति के क्या थे, वितरणात्मक शक्ति के विरोधी थे। ये आपको किसके बारे में याद रखनी है, नौजिक के बारे में। तो नौजिक क्या थे, जो हमारा राज्य है अगर राज्य क्या करता है, संपत्ति का वितरण करता है, उन्होंने कहा गलत काम है, संपत्ति का क्या करना चाहिए, उन्हें सिर्फ संरक्षण के लिए राज्य का निर्माण हुआ है इसका उन्हें संपत्ति का संरक्षण करना चाहिए ना कि वितरण करना चाहिए, इस बात की क्या है आपके नौजिक विरोधी है। ये बात आपको नौजिक के बारे में याद रखें। विचारक है, उन विचारक के साथ ही हमारे नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक कौन हो जाएंगे, हेराल्ड लॉस्की। अभी जो हेराल्ड लॉस्की है ये क्या कहते हैं, पहले अपन इनकी बुक्स देख लेते हैं। दो इन्होंने किताब लिखी थी, किताब जो इन्होंने लिखी, उन्होंने किताब का नाम है अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट, अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट, और इनकी दूसरी किताब का नाम है लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, इन द मॉडर्न स्टेट। बस ये दो इनकी बुक्स हैं, आपको इनके क्या रखने हैं, नाम याद रखने हैं, लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट एंड अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट। ये मॉडर्न स्टेट कॉमन है, बाकी लिबर्टी और अथॉरिटी चेंज होता है। ये इनकी दो किताबों के क्या है नाम। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा है व्यक्तिगत व राजनीतिक स्वतंत्रता की तुलना में, राजनीतिक स्वतंत्रता की तुलना में आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व दिया है, आर्थिक स्वतंत्रता को, आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व दिया है। इसने आपके हेराल्ड लॉस्की, हेराल्ड लॉस्की किसको ज्यादा महत्व देता है, आर्थिक स्वतंत्रता व समानता पूरक है, स्वतंत्रता व समानता पूरक है तथा एक दूसरे के बिना अपूर्ण है, एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। ये किसके विचार हैं, आपके हेराल्ड लॉस्की। लॉस्की क्या कहता है, स्वतंत्रता और समानता यानी इक्वालिटी और लिबर्टी दोनों क्या है, एक दूसरे पूरक है। अगर आपके स्वतंत्रता प्राप्त है, समानता नहीं है, तो स्वतंत्रता का अपने आप लोप हो जाएगा। समानता प्राप्त है, स्वतंत्रता नहीं है, तो किसका, स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। इस वजह से इन्होंने कहा ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, इसके बिना कि एक दूसरे के अपूर्ण है। ये बात किसने लिखी है, हेराल्ड लॉस्की ने लिखी है। इसके अलावा हेराल्ड लॉस्की के बारे में याद रखना है, ये ऐसे विचारक थे जो सकारात्मक स्वतंत्रता का भी क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, यानी सकारात्मक स्वतंत्रता। इन्होंने ऐसे विचारक जिन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता दोनों पर क्या रखे, अपने विचार रखे। ये जितने भी आपकी क्या है विचारक थे जिन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता पर क्या बोला, स्वतंत्रता में, वो है स्पेंसर। स्पेंसर क्या करते हैं, स्पेंसर क्या करते हैं, जो आपका डार्विन का उत्तर जीविती का सिद्धांत था, डार्विन के उत्तर जीविता के सिद्धांत के आधार पर के उत्तर जीविता के सिद्धांत के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर स्वतंत्रता पर का की व्याख्या की इन्होंने। ये ध्यान रखना, किसने, स्पेंसर ने। ज्यादा बात याद नहीं रही, इतना याद रखना है। कई बार वन लाइनर क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से विद्वान थे जिन्होंने उत्तर जीविता के सिद्धांत, यानी जो डार्विन का उत्तर जीविता का सिद्धांत था उसके आधार पर स्वतंत्रता का व्याख्या की है, वो स्पेंसर है। चलिए ये अपनी बात होगी किसके बारे में, नकारात्मक स्वतंत्रता। अब बात, तो ये बात थी हमारी नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में। चलिए आई होप आपको अच्छे से डिटेल में क्या हो चुका होगा, नकारात्मक स्वतंत्रता का जो ज्ञान है वो मिल चुका होगा। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम सकारात्मक स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के और कौन से प्रकार उनके बारे में बात करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।